ये सामने 3 नंबर वाशरूम है, ये इसके साथ सामने अजियाद रोड है जहाँ से आज ही आ रहे हैं जा रहे हैं। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल जहाँ से आज ही आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी बिल्कुल रश कम हो गया है माशाल्लाह, क्योंकि आज ईद का 3रा दिन है और आज ही अपने घरों को चले गए हैं। ये जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है ये फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है जहाँ पे आज ही हजरात तवाफ करते हैं, कपड़ों में भी कर सकते हैं, वैसे व्हीलचेयर से भी करते हैं। ये सामने जो ब्रिज आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है माशाल्लाह। और ये इसके सामने जो नीचे हाजी जा रहे हैं ये 3 नंबर गेट है खाना काबा पाक की तरफ, यहाँ से भी इन होते हैं। ये 3 नंबर गेट है माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ से अंदर इन हो रहे हैं और आउट भी हो रहे हैं सुभानअल्लाह। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मलिक अब्दुल अज़ीज़ गेट के मीनार हैं, और ये नीचे सामने मलिक अब्दुल अज़ीज़ गेट है सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, देख सकते हैं सामने वो जो गेट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से भी हाजी हजरात इन होते हैं और आउट भी होते हैं उमरा के लिए सुभानअल्लाह, और तवाफ़ भी करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। नीचे जो बेसमेंट है खाना काबा पाक के साथ जहाँ पे हाजी हजरात तवाफ़ करते हैं वो बेसमेंट है, और ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ सामने आप देख रहे हैं। यहाँ से हाजी इन होते हैं आउट होते हैं, यहाँ सामने आप अगर इन होंगे तो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर सिर्फ व्हील चेयर से और ऊपर तवाफ़ कर सकते हैं, और वहाँ से नीचे उतरने के लिए फिर सीढ़ियाँ हैं जो बेसमेंट में खाना काबा पाक के पास जाती हैं। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ये देखें जूम करके दिखा रहा हूँ, ये 3 नंबर गेट है ऊपर की तरफ भी और नीचे भी सुभानअल्लाह। तो आइए आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं, आगे से भी आपको थोड़ा ज़्यारत करवाते हैं माशाल्लाह। वो सामने सफाई हो रही है वो भी आपको जाके थोड़ा दिखाते हैं, मंज़र बहुत प्यारा है माशाल्लाह। यहाँ से नीचे उतरते हैं और आगे जाते हैं सीढ़ियों से सुभानअल्लाह। आप साथ साथ दुरूद पाक पढ़ते रहें, साथ साथ जितना हो सके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें माशाल्लाह, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके सुभानअल्लाह। और कमेंट सेक्शन में भी माशाल्लाह सुभानअल्लाह लाजमी टाइप करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर माशाल्लाह, मेरे साथ साथ चलते जाएँ, मुकम्मल वीडियो देखनी है। ये सामने आप देख रहे हैं माशाल्लाह सफाई हो रही है, सफाई वाले हमारे प्यारे भाई हैं माशाल्लाह, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं ये, अल्लाह पाक के प्यारे घर में सफाई कर रहे हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं मशीनों के साथ भी कर रहे हैं और वैसे भी। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें बहुत ही प्यारा मंज़र माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे घर में सफाई का मौका मिल जाए तो और क्या चाहिए माशाल्लाह, देख सकते हैं बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं, बहुत ही अल्लाह पाक ने इनके मुकद्दर प्यारे लिखे हैं, इनकी आखिरत बहुत अच्छी होगी माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको जजाए खैर दे और अल्लाह पाक इनको और तरक्की अता फरमाए माशाल्लाह, देख सकते हैं सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये अभी हम सामने क्लाक टावर का जो गेट है मेन उसके सामने नीचे हैं जहाँ पे सफाई हो रही है, और 3 नंबर वाशरूम है इसके साथ ही लेफ़्ट साइड भी, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा वो ग्रीन सा बोर्ड जो है। तो ये 3 नंबर गेट मलिक अब्दुल अज़ीज़ गेट है जो उसके सामने हम खड़े हैं, 79 इससे आगे हैं मलिक फ़ाद गेट जो है माशाल्लाह, देख सकते हैं बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको और तरक्कियां अता फरमाए आखिरत में, तो ये माशाल्लाह कामयाब ही कामयाब हैं अल्लाह पाक के प्यारे घर में माशाल्लाह सफाई कर रहे हैं, बहुत ही मुकद्रों वाले ये लोग हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं। आज ईद का 3रा दिन है सुभानअल्लाह, और 12 अप्रैल 2024। अल्लाह पाक आपको भी ऐसे ही रमज़ान मुबारक के रोज़े हरम पाक में नसीब करें, मक्का पाक में, मदीना पाक में रखने नसीब करें, आमीन। दुआएं करते रहें अपने लिए अपने घर वालों के लिए माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी बुलाए अपनी फैमिलियों के साथ वालदैन के साथ सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाल्लाह। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें जितना ज़्यादा हो सके माशाल्लाह। ये सामने जो देख रहे हैं ये मलिक अब्दुल अज़ीज़ गेट है जो पहले आपको मैंने दिखाया, ये अभी खुले हुए हैं सब गेट, मलिक अब्दुल अज़ीज़ भी खुला हुआ है, मलिक फ़ाद भी खुला हुआ है, 3 नंबर भी खुला हुआ है, और बाबुल उमरा भी खुला हुआ है, क्योंकि रमज़ान शरीफ का इधर रश ज़्यादा हो जाता है रमज़ान शरीफ में, और हज के मौके पे जब बहुत ज़्यादा रश हो तो फिर ये सब गेट खोल देते हैं, बाबुल उमरा भी खोल देते हैं, मलिक अब्दुल अज़ीज़ भी खोल देते हैं। वैसे तो जो 3 नंबर गेट है और मलिक फ़ाद 79 गेट, ये दोनों खुले रहते हैं बस, बाकी बंद होते हैं
माशाल्लाह बड़े गेट छोटे छोटे तो सब खुले रहते हैं, सुभान अल्लाह देख सकते हैं। ये क्लॉक टावर का मेन गेट है, ये सामने जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह, इधर से इन भी होते हैं आउट भी होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आपको भी बुलाए, पाक घर की ज़ियारत कराए, उम्रा की सआदत नसीब करे और हज की। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, अपनी रहमतों करम और बरकतों के साए में रखे। आमीन आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।